आई कीप नवरात्रि फास्ट और माता रानी आई हैं तो माता रानी के दरबार में कहते हैं कि जब हम गरबा करते हैं तो बेसिकली हम उनको प्रणाम कर रहे हैं. इट्स अ साइन, इट्स अ सिंबल ऑफ दुर्गा माता. सो इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू बी हेयर एंड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रेट इवेंट. सॉरी, कम अगेन, इज इट? Well, honestly, I'll be very honest. It took, I think, 3.5 hours to got ready. But it's a great compliment. Thank you so much. This outfit, I only designed it. Acting is a full-time job, but with acting, I do fashion designing as well. I style clothes, I design them, a color combination and everything. So, you know, we... This is honestly Hindi or English. This is actually, this is the first time I'm going to play Dandiya. Are we actually playing? So thanks to Sangeeta, who's actually taking
taking this initiative. It's good. I'm excited for my dance. नमस्कार, मैं हूँ संकेत मोरे और बहुत ही अच्छा लग रहा है आज ड्रीम डांडिया इवेंट पे, इतने बहुत ही खूबसूरत इवेंट पे आने का मौका मिला। सो सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा मेरा फ्रेंड चैतन्य और पूरे ड्रीम डांडिया की जो टीम है, उनको पूरे सब जो उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है और मुझे यहाँ आने का उन्होंने मौका दिया, मुझे यहाँ उन्होंने बुलाया। सो बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत सारी मज़ा और करना है। सो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, विश यू अ वेरी 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 हैप्पी नवरात्रि एंड हैव अ ग्रेट फन, लॉट्स ऑफ लव। हाँ, डांडिया के बारे में तो डेफिनेटली ये मैं शेयर करूँगा कि जब हम छोटे थे, जब स्कूल में जाते थे तो मम्मी डैडी हमें डांडिया दिखाने लेके जाते थे और बहुत ही तभी मज़ा आता था। हर एक अलग अलग लोग वहाँ आते हैं, जिस खूबी से सब मिलजुल के उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से वो खेलते हैं। तो पहले तो आता नहीं था, बहुत बार वो जो डांडिया खेलते वक्त वो हाथ में भी ज़ोर से लग जाता था और वो तभी बहुत बार लगा भी है हाथ में तो, लेकिन उसके बाद सीखा थोड़ा थोड़ा उसके जो स्टेप्स है खेलने के, तो मज़ा आता था। और माता रानी है दुर्गा माँ, सो देवी के सामने वो डांस करना, वो नवरात्र उत्सव में मनाना, तो बहुत मज़ा आता है। मेरे काफ़ी सारे दोस्त जो डांडिया में मुझे बुलाते हैं और इस साल मुझे पहली बार ड्रीम्स डांडिया में आने का मौका मिला है और डेफिनेटली और भी अभी मैं उनके साथ शामिल हूँगा, बहुत मज़ा करना है। सो बहुत अच्छा लग रहा है। आवाज़ में हाँ ओके बेसिकली डांडिया देखो हर एक की चॉइस अलग अलग होती है। तो अगर ये जो से इन रूफ है, जैसे अभी आपने पूछा कि जैसे होटल में ये हो रहा है इतने बड़े बैंक्वेट हॉल में और अच्छी तरीके से खूबसूरती से मैनेज किया है, तो इसका इसकी एक मज़ा और है, ये इसका इसका एक नशा और है और खुद ग्राउंड के ऊपर जो आउटडोर होता है उसकी उसका मज़ा कुछ और है। तो हर एक का, तो मैंने तो ग्राउंड पे भी खेला है डांडिया और अंदर भी ऐसे होटल में कहीं खेला है, तो डेफिनेटली आज जो गरबा है और जिन्होंने अच्छी तरीके से ये मैनेज किया है, सब आप पूरे मीडिया, सब कैमरे मैम एहन सब सब जो है उन्होंने सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप
ओके नमस्ते. डेफिनेटली अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में ये कहना चाहूँगा, मेरी न्यू वेब सीरीज़ आ रही है जो हिंदी है और एक मराठी भी है, और मेरे दो मराठी बड़े फिल्म्स रिलीज़ हो रहे हैं. जो लास्ट ईयर मेरी एक बड़ी फिल्म रिलीज़ हुई और बैक टू बैक मेरी फिल्म्स रिलीज चल रही है, और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, दो फिल्म लाइनअप में है. तो मराठी, हिंदी, साउथ बहुत कुछ है. तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पर मेरे जो एक्टर संकेत मोरे ऑफिशियल के नाम पर मेरे जो जो अकाउंट्स हैं आपके ऊपर मैं अपडेट देते रहता हूँ मेरे फ्रेंड्स को, मेरे फैंस को, तो बहुत अच्छा लगता है. तो वो आपका जो प्यार है, आपका सपोर्ट है, आपके जो आशीर्वाद है, वो हमेशा ऐसे ही बरकरार मेरे साथ रहे, और मेरे आने वाली सभी जो प्रोजेक्ट है उनको आपका और देवी का अच्छा आशीर्वाद मिले. थैंक यू सो मच. हाँ, मैं दांडिया भी पहली बार आ रहा हूँ, और दांडिया पहली बार आ रहा हूँ मैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर. दांडिया भी खेलना शुरू करेगा, मैं देखता हूँ कैसे फील हो रहा है. मुझे नाचना नहीं आता इसलिए मैं शायद कभी दांडिया गए नहीं, लेकिन अभी देखता हूँ. अभी मेरी माधुरी नाम की फिल्म आ रही, मराठी फिल्म, उर्मिला मातुंडकर प्रोड्यूस की है उसने, और उसमें शरद केलकर है, सोनाली कुलकर्णी जी है, स्वप्ना वाघमारे हमारी डायरेक्टर है. अच्छी फिल्म है, आप ज़रूर देखना. 30 नवंबर को मेरी फिल्म आ रही है. 30 नवंबर. थैंक यू. The outfits are sponsored by Pavan and Pranav, that is us, and we are there in the industry last 8-9 years, and we have been providing our outfits to Bollywood and TV artists as well. Today is the day for TV artists, and I'm glad that we are invited here. Thank you. Thank you so much and enjoy the event. Thank you so much. Bye. So, okay, start with so the lady. This outfit has been made by my very dear friend Priyanka Sharma, so I'm wearing her outfit. And me, I'm wearing Sonam Sharma today. So I didn't do much. I told her that it's a mix-up event of Dandiya and all. So she gave me this jacket, which is like little bit matching with the Dandiya theme. So blue and black is today's theme of mine. सबसे बड़ी बात यह कि मतलब इतने सारे सेलिब्रिटीज़ के बीच में मैं परफॉर्म करूँगा, और मतलब दे विल डांस ऑन माई सिंगिंग. सो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मतलब इतने 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 सारे सेलेब्स होंगे और आई परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ दैम ऑन, ये मेरे लिए बहुत मतलब मेरा लक होगा या मेरा प्लेजर होएगा. हाँ, आई डिड इन नॉर्थ एंड इवन इन पेरिस, स्विट्ज़रलैंड, इन एवरी कंट्री आई डिड दिस टाइप ऑफ शोज. इट्स अ गुड नेम. I am extremely excited because any festival I get super excited, especially Indian festivals. There's so much dancing and so much color and all of that. I mean, I'm wearing a Chaya Gandhi outfit today, which was custom made. It's a very colorful and vibrant outfit. So I am pretty excited, man. What about I think you? All the festivals in India, we're always excited. Koi bhi festival ho, Navratri ho, Holi ho, we're always up for it. Energy hamesha sahi rehni chahiye. And that's what we are here for, to get the energy going. Uh-huh. Yeah, we are actually coming from a college festival. We were judging. Yeah, but to be honest, even I was judging, but I wore this because I had to come here. Some people just like to act smart with their suits, so they can go ahead. So yeah, thank you. Pleasure. Thank you so much. Gujarati and Dandiya being a part of my culture, and especially when the neighbors are organizing something like this, I had to be here, and I'm really excited. The music is already banging up there, and I'm excited to go up there and have some fun. Yeah. Well, actually, I had come directly from somewhere, and it was a meeting, so I couldn't wear the KDI and go for a meeting. That was the only reason. I'm dressed up a little simple. Yeah.
Sorry? Okay, yeah, so basically I studied in NM College and Jashoda Rang Mandir used to have the best Navratri scene. So all 5 years of my life during college, I used to go there and I think so that's when I literally learned how to play Navratri, how to play Dandiya and Garba. And yes, during playing all of that, I have injured at least 50 people with my elbows and my legs and stamping everybody. But yeah, with that puppy little face, I could just be saved every time, yeah. All right, thank you so much. All right, cheers, bye. Gone.